अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हारिस अनी फ्रॉम तबानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। आज जो है हम लोग मटेरियल की एक बेसिक कैलकुलेशंस, जिसमें अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, दैट इज़ टू अकाउंट फॉर द वेस्टेज परसेंटेज इन द मटेरियल्स कैलकुलेशंस। नाउ लेट्स टेक द फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल वेस्टेजेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 6 किलोग्राम्स की ज़रूरत है, आई नीड 6 किलोग्राम्स, बट माई पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट कि जब जब हम प्रोडक्शन करने जाते हैं तो एक यूनिट की प्रोडक्शन में 2 किलोग्राम ज़ाया हो जाता है, यानी कि आपके पास जो वेस्ट है वो कितना है, 2 किलोग्राम्स। तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में जाकर 8 किलोग्राम्स जो है उसकी आप करेंगे परचेजिंग, यस और नो? यानी कि अब आप क्या करेंगे, अब आप मार्केट जाएंगे, आप 8 किलोग्राम परचेज करेंगे और आप 8 किलोग्राम इनपुट करेंगे और 2 किलोग्राम वेस्ट हो जाएगा और 6 किलोग्राम की जरूरत आपकी पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो नीड है, यू नीड 6 किलोग्राम्स, ये है आफ्टर लॉस। ये क्या है, आफ्टर लॉस। नाउ फॉर एग्जाम्पल अज्यूमिंग कि आपके पास एक प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है इन मार्केट वो है $3 per kg, सो यू हैव टू परचेज $8, तो आपके पास मटेरियल की कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 8:3, और वो बन जाएगी आपके पास 24 per unit। यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 8 किलोग्राम मटेरियल की ज़रूरत है और 1 किलोग्राम जो है वो मार्केट में $3 का या स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, तो आपके पास कितना है, 24 per unit। ठीक है, अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड कि हम इसके हवाले से बात करें कि जो आपकी नीड है वो हमेशा होती है आफ्टर द लॉस। अब देखें, इस छोटी सी एग्जांपल के अंदर मैंने आपको एब्सोल्यूट फिगर्स बता दिए और आपको 2 किलोग्राम्स गिवन है, 6 किलोग्राम्स गिवन है, 8 किलोग्राम्स आपने परचेजेस कर लिए। वॉट इफ कि आपको जो लॉसेस है वो मैंशन हो, लेकिन वो मेंशन होगा परसेंटेज की फॉर्म में। किस फॉर्म में मेंशन होगा, परसेंटेज में। तो यहाँ पर अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स को आ जाती है प्रॉब्लम्स। नाउ अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ कि टू मेक वन यूनिट इट नीड्स, एक यूनिट को बनाने के लिए आप अज्यूम कर लें, कि आपके पास 13.5 किलोग्राम्स की ज़रूरत है और जो इसमें वेस्टेज है वो वेस्टेज है आपके पास 10%। अच्छा स्टूडेंट्स, इफ़ नथिंग इज़ मेंशन तो ये जो लॉसेज होता है ये हमेशा होता है लॉस ऑफ इनपुट। और ये जो लिखा हुआ है इट नीड्स 13.5, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपके पास नीड होती है वो नीड हमेशा होती है आफ्टर द लॉस। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको नीड कितनी है, तो सर नीड है 13.5 kgs की, और जो नीड होती है या तो नीड का लफ्ज़ लिखा होगा या लफ्ज़ लिखा होगा इट रिक्वायर्स, कि आपको कितने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब 13.5 kgs जो है ये है आफ्टर लॉस, और लॉस कितना स्टूडेंट्स, 10%, यानी कि ये आफ्टर लॉस ऑफ 10%। इसका मतलब ये 13.5 kgs अपने आप में शो कर रहा होगा 90%। क्या शो कर रहा होगा, 90%। जबकि जब हम चीज़ परचेजेस करते हैं, परचेजिंग वाली जो परसेंटेज होती है वो हमेशा होती है कितनी, 100%। इसका मतलब 13.5 kgs अपने आप में 90% को शो कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, अब 13.5 kgs डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि 90 kg को शो कर रहे हैं, जहाँ होते हैं वहाँ डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से, तो 13.5 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन जाएगा 15 किलोग्राम्स। इसका मतलब 15 किलोग्राम आप मार्केट में जाकर करेंगे क्या, परचेजिंग। और अज्यूम करो कि अगर उस प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट है लेट से $4 per kg, तो आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 kgs मल्टीप्लाई बाय $4,
सो इट विल बिकम $60 पर यूनिट। तो आपके पास ये $60 पर यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, जो कि फिर हम लोग अपनी कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट मटेरियल के लिए। फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ऐड होगी, फिर ओवरहेड्स, और फिर इस तरह आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेस्टेजेस। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।